हेलो दोस्तों, जय माता की। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्र चल रहा है और सभी लोग प्रातःकाल रोज ही पूजा करते हैं, एक दिन की बात नहीं है। तो हमने भी यहाँ पर नहा धुल करके पूजा पाठ कर लिया है। वैसे एक कल की वीडियो है, तो पूजा पाठ करने के बाद देखिए वहाँ का थोड़ा सा मैं बनाया था। फिर हम आ गए हैं, हमारे आंगन में ही है भगवान शिव जी का, शिवलिंग मतलब रखा गया है, हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया जल और जल दिया, फूल चढ़ाया और उसके बाद से हर काम जल्दी जल्दी सुबह करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर हमने सूर्य भगवान को किया प्रणाम, क्योंकि यहाँ से सूर्य भगवान दिखते हैं सुबह सुबह हमारे आंगन से ही। और फिर हम फटाफट आ गए, हमने सब्ज़ी काटा और सब्ज़ी काट करके यहाँ पर भून रहे हैं। देखिए आलू परवल की सब्ज़ी और एक तरफ पूरी भी तल रहे हैं, क्योंकि रात को जाना है कॉलेज में। और फटाफट नाश्ता तैयार करना पड़ता है, सुबह में 7:15-7:30 तक वो निकल ही जाता है। और सुबह का काम तो आप जानते हैं कि काम करना और वीडियो बनाना कितना कठिन काम है, वो तो जो लोग बनाते हैं वही जानते होंगे, जो नहीं बनाते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। जल्दी जल्दी हमने इसको टिफिन में पैक किया, क्योंकि वह सुबह जाता है, फिर रात के समय शाम हो जाता है, तो टिफिन ले जाता है लंच करने के लिए दोपहर में। और यहाँ पर टिफिन रखने के बाद हम देखिए थोड़ी देर रख दिए हैं यहाँ पर चाय। चाय हो रही है, एक तरफ हमारी चाय हो रही है, एक तरफ बाबूजी की चाय हो रही है, क्योंकि बाबूजी पीते हैं दूसरी चाय और हम पीते हैं दूसरी चाय। हम लोग दूध वाला चाय पीते हैं और बाबूजी पीते हैं अजवाइन वगैरह डाल करके, अजवाइन चीनी नमक अदरक डाल करके पीते हैं। तो इधर राज निकल रहा है और हम जा रहे हैं बाबूजी को चाय देने। देखिए कहाँ पर चाय पी मतलब पूजा कर रहे हैं वो, तो हम वहाँ पर अभी रख के चले आए हैं चाय। और उसके बाद से इधर बाहर देखिए रात जा रहा है और गौ माता भी चिल्ला रही हैं, क्योंकि ये सब बाहर जब हम लोग निकलते हैं देखती हैं तभी चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि हम लोग के पास आएँ, थोड़ा सा उन लोगों को सहलाएँ। देखिए यहाँ पर हम सहला रहे हैं, क्योंकि उन सबों के सर पर सहलाने से उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे मेन गेट के पास है समी का पौधा, और जो कि इस समय बहुत ही हरा भरा और क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, उसको हमने दिखाया। और उसके बाद से अब जा रहे हैं पुराने वाले घर में, क्योंकि नए वाले घर में बाबूजी पूजा कर रहे थे और पुराने वाले घर में हम भोजन बनाते हैं, तो वहाँ पर आ गए हैं हम देखिए। और उसके बाद से चाय वगैरह पीने के बाद हम निकल लिए हैं यहाँ पर, बगल में ही हम लोगों का खेत है, दूर नहीं जाना है, और ट्यूबवेल भी घर में ही लगा हुआ है, घर के पास में ही मतलब। तो हम आ गए हैं यहाँ पर अरबी का पत्ता तोड़ने, क्योंकि बाबूजी बिना दाल में कुछ डाले हुए नहीं खाते हैं। ये नहीं है सिर्फ दाल में नमक और हल्दी डाल देने से वो खाएंगे, किसी न किसी चीज़ का साग उनको पड़ना चाहिए, चाहे किसी साग को कुछ भी और पड़े, चाहे लौकी पड़े चाहे साग पड़े, कुछ दाल में और रहना चाहिए। तो यहाँ पर ट्यूबवेल जल रहा था, तो हमने उस पत्ते को अच्छी प्रकार से धुल लिया है ताकि मतलब साफ़ हो जाए। फिर आ करके हमने दाल को धुला और उसमें काट दिया पत्ते को, और यहाँ पर हल्दी नमक मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, सब कुछ मिला करके अभी रख देंगे। और इतना तेज़ी रहता है सुबह में कि क्या बताएं, सबके घर रहता है, जिनके घर भी बच्चे हैं या बड़े हैं, जिनको टाइम से हर कार्य करना है तो फिर जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर हमने दाल रख दिया है, दाल हो रही है। और फिर हमने सोचा कि हम भिंडी कट करेंगे, थोड़ा थक भी गए थे, आके कूलर के पास बैठ गए, लेकिन फिर याद पड़ा कि बाबूजी ने कहा है कि कोहड़ा का पत्ता बनाना है। फिर हमने साग को तोड़ा अपने ही खेत से और तोड़ करके यहाँ पर धुल करके एक बार लाए हैं, रखे हैं, फिर कट किया जल्दी जल्दी। कट करने के बाद इसको टब में धो रहे हैं, और टब के साथ ही हमने बाल्टी में भी इसको डाल दिया, धुल रहे हैं, क्योंकि कोई भी साग रहता है तो बिना 2-3 बार धुले वह साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी कट करके रख ली है, आलू भी मिक्स करेंगे, क्योंकि साग थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं था। और तेल गर्म हो रहा है, इसमें डाल दिया है हमने मिर्चा वगैरह जो भी डालना है, यहाँ पर भून रहे हैं। जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना रहता है, क्योंकि बाहर भी ट्यूबवेल भी चलता रहता है, उसको भी देखना रहता है, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा साग बन करके रेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।